हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आप सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है एयर एलिमेंट, ठीक है? जिनका भी एलिमेंट एयर है, यानी कि हवा तत्व जिनका भी है, वायु तत्व, ठीक है? तो इसमें जो जोडियक साइन आते हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जिनका भी एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। मैं पता करूंगी आगे आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है? और आपकी लव लाइफ, आपका वर्क और आपकी हेल्थ, ठीक है? तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में पता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी एयर साइन के साथ भी अगर डील कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर का जोडियक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो आप उनके लिए पता कर सकते हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है? क्रॉस वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस क्या आता है आपके लिए, देखते हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ और रीडिंग के एंड में आपके लिए गॉड गाइडेंस भी मैं पता करूँगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट। बी पॉजिटिव गाइस, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आपका मन करे आप देख सकते हैं। ओके, वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, आप ही का साइन आ गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो हो सकता है पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनका एयर साइन हो या वाटर साइन हो, फायर साइन भी हो सकता है लियो। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव द हायरोफेंट, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, वी हैव टेन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड वी हैव एट ऑफ कप्स, ओके। बॉटम द डेक से है फोर ऑफ सोर्ड्स, बट मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी। ओके, फोर ऑफ वैंड्स आया है बॉटम द डेक से, एंजल नंबर भी दिखा 333। गाइस देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, लव लाइफ में आप स्टक हैं, ठीक है? और आपकी लव लाइफ की वजह से ही ना आपका करियर इफेक्ट हो रहा है, लव लाइफ की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। मैं आपको बताती हूँ, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और इस टाइम सोलमेट आपको कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं। हो सकता है आप सेपरेशन फेज में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, मैं ये भी चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ। काफ़ी स्ट्रेंथ भी आपने बनाई हुई है, लेकिन आपका ना इस पार्टनर के साथ आप फंसे हुए हो, ठीक है? आपको जस्टिस चाहिए अपने पार्टनर से, आपको नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो रहे हो, ठीक है? कन्फ्यूज़ हो रहे हो और आपके वर्क में या आपकी स्टडी में आपका मन नहीं लग पा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपको सीखना होगा कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है? लाइफ वैसी नहीं चलती है जैसी हम चाहते हैं, तो फिर भी हम अपने इमोशंस को खुद पर अपना कंट्रोल कैसे बनाएं, बहुत बड़ा लेसन आपके लिए आया हुआ है। अब आप किस तरीके से डील करोगे? देखो, हिम्मत तो आप कर रहे हो,
ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आप काफ़ी स्ट्रांग फील कर रहे हो और मे बी आप इस सिचुएशन से बाहर भी आ जाओ, लेकिन टाइम आप कितना लगाओगे ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का। और डेफिनेटली आप इस पार्टनर के साथ बंधे हुए हो, आपको जस्टिस चाहिए, क्यों उस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसे करा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो इन क्वेश्चंस को फोर्सफुली इसका आंसर जानने की कोशिश मत करो, लाइफ आपको टाइम पर इसका इन सारी बातों का आंसर देंगी, ठीक है। तो इस टाइम अपने आप को इस सिचुएशन से रिलीज़ करने की कोशिश करो और अपने जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने काम में आप फोकस नहीं लगा पा रहे हो, तो उस पर आप फोकस करो इस टाइम, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेसन है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है किसी के साथ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है, और इसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी लेकिन अब इसने आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पर मिले हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला और अब ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। देखिए देखिए, आपके कुछ ड्रीम है, या तो आपको अब्रॉड सेटल होना है, अब्रॉड में जाके आपको जॉब करनी है या स्टडी करनी है, और आपको एक हाई डिग्री अचीव करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, मास्टर या फिर पीएचडी वगैरह तक का सपना है आपका पढ़ने लिखने का, लेकिन आप अपना, क्योंकि आपका माइंड नहीं लग पा रहा है आपकी स्टडी में, आपके करियर में, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो अभी, ठीक है। देखो कुछ हो सकता है कि आप एज में छोटे हैं अभी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं पार्टीज़ वगैरह में, या फिर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, हर कोई आपको अपनी राय बता रहा है, ऐसे कर लो, ये ऑप्शन ट्राई कर लो, करियर में इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है, इस तरीके की बातें हर कोई बोल रहा है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है आपकी फैमिली की या फिर खुद की, और आप उसको फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हो, और फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और डेफिनेटली आप कन्फ्यूज़न में हो कि आपको करना क्या है, आपको अपने ही कंट्री में रह के अपनी पढ़ाई स्टडी या जॉब करनी है, या फिर आपको अब्रॉड जाना है, आप ये भी अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप अपने लिए सोचते हो उसमें आप गिव अप कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दूसरे ऑप्शन ट्राई करने के लिए वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में ना इस टाइम बेसिकली जो इतने ज़्यादा ये जो मैस हो गया है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सा जो एक आ गया है, ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप ना एक अपने पार्टनर पे स्टक हो इस टाइम। वो आ जाएंगे, खुशियाँ मिल जाएगी तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, अदरवाइज नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स बनना बहुत मुश्किल होता है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअल लेवल में अवेकन होते हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, और फिर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी कन्फ्यूज़न भी दूर होगी, अब्रॉड अगर जाना है तो सेटल भी हो जाएंगे, या फिर अपनी ही कंट्री में रह के कोई बड़ी जॉब, कोई बड़ी पोजीशन अगर हासिल करनी है तो ये चीज़ भी आपके पास आ रही है, ठीक है। आप टीचर, लॉयर, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर, जज, मतलब आपका कुछ ऐसा है कि आपके पास ऑनर है, अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, और लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अपने पार्टनर पे स्टक हैं, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं, आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, कहीं तो सक्सेस मिल जाए, कहीं तो सक्सेस मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लॉ में या तो अपना करियर आप देख रहे हैं, या फिर आपको टीचर, प्रोफेसर या फिर अब्रॉड ही जाके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप काफ़ी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, काफ़ी ऑप्शंस देख रहे हैं, ऐसा भी आप कर रहे हैं, तो करिए गाइस, और जितना हो सके इस टाइम लेट गो करना सीखिए, ठीक है, और अपना माइंडसेट एक रख कर काम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे तो आपके करियर पर भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस में आने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं होगी, आपको हेडेक वगैरह भी बहुत होता होगा क्योंकि आप सोचते ही इतना है, ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा एनजाइटी वगैरह भी फील कर रहे हूँ। लेट्स सी, आपकी हेल्थ के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ क्या आता है यहाँ से। एक कार्ड आ गया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके,
एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, क्राउन चक्रा, होप। देखो आपकी विशेज, आपकी हेल्थ सब ठीक हो सकती है। अभी थोड़े से इश्यूज हैं आपको हेल्थ के, ठीक है। आपने अपने हेड पर बहुत प्रेशर डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, देखो दो बार आ गया ये कार्ड, सेम कार्ड होते हैं डिफरेंट डेक से। आपको आपकी डेस्टिनेशन तक आप पहुँचोगे, लेकिन इतनी इतना प्रेशर क्यों डालना। अभी एक लेसन है आपको, लेट गो करना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको, मैंने कहा था ना दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है आपने, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, इतना रश मत कीजिए। अभी पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर जस्टिस तो आपको मिलेगा ना। आप यही चीज़ मांग रहे हैं, बस इसको चेज कर रहे हो तो इसलिए दूर हो रहा है, ठीक है। लेट गो करना सीखो, सब चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। हम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वही वैसा ही रिजल्ट हम पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जितना हो सके, ये बिग लेसन है आपके लिए, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। आई होप कि आप जो सीख गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सीख पा रहे हैं आई होप कि जल्दी ही सीख जाएं और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए, इस टाइम बहुत ज़रूरत है आपको, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं, खुद अगर स्ट्रेंथ नहीं बनाई तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी साथ नहीं देंगे गाइस, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। मदद उसको मिलती है जो अपनी मदद पहले करता है। कम्युनिटी नंबर 7, मैं आपको बोलूंगी जिन पर आपको बिलीव है उनसे शेयर कर सकते हैं आप अपनी बातें, करियर में आपको क्या ऑप्शन चूज करना है। फिलहाल मेंटल कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। जो भी मेंटल OMG, ये तो 3 times आ गया, 444 मैंने यहाँ पर देख लिया, आप तो ये स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एंजल नंबर 444 यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, 4, 4 and 4। बिलीव करिए खुद पर, डेस्टिनेशन पर, आपकी लाइफ में। आप अगर आपको शादी, चले ठीक है, एक प्रेशर तो यहीं से ख़त्म हो गया। 444 का मतलब है मैरिज, ठीक है। और मैरिज किसके साथ, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्विन के साथ, तो ये डाउट क्लियर कर दीजिए। शादी इन्हीं से होगी जो आपका सोल पार्टनर है, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। और अब अपने करियर पर फोकस करो टेंशन फ्री होकर, ठीक है। बिल्कुल गाइज, यही करना है आपको। लेट्स सी एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए। यू आर गुड इनफ, देखो आप अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। चीज़ों को रश मत कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ होता है हर किसी के साथ। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, अपनी लाइफ पर आपका कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लेसन है आपके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ आई होगी, रीडिंग भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।